नमस्कार, जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं, तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। 6 अप्रैल 2020 के उपाय की अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 6 अप्रैल 2020 को आप जानते हैं सोमवार का दिन है। आप ये भी जानते हैं कि कोरोना फैला हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा अधिक से अधिक लोगों को दान कीजिए, राशन दान कीजिए। चित्र में आप देख रहे हैं, मैं भी लोगों को दाल, चीनी, राशन, साबुन, घी, आटा सब कुछ दे रहा हूँ। आपको भी चाहिए, हम यहाँ फ्रूट्स भी बांट रहे हैं। अधिक से अधिक दान करना चाहिए ऐसे समय में, क्योंकि ये समय जो बहुत मुश्किल का है, इसमें आपको बहुत अधिक परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी यदि आप दान करते हैं। तो अब हम बात करेंगे उपाय की। उपाय क्या करना है? उपाय जो है वो सोमवार का आपको बहुत अधिक लाभ देगा। इस बात को समझ लीजिए कि जिस प्रकार का नक्षत्र है और जिस प्रकार से ग्रह चेंज हो रहे हैं, तो आपको बहुत अधिक लाभ हो सकता है। बुध भी जो हैं, बुध से अब निकलेंगे, 7 तारीख को बुध निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये उपाय कर लें एक दिन, तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे तो कोरोना से भी हमारा बचाव होता है, तो बहुत अधिक लाभ यहाँ पर मिलता है। तो आपको चाहिए कि आप सही तरीके से ये उपाय करें, तो आपको परमात्मा की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो क्या करना है, इस बात को आज आपने समझना है। वही उपाय है, चावल, चीनी, दूध, आटा, इनमें से कुछ सामान भी आप किसी गरीब को दे दीजिए, किसी धर्मस्थान में दे दीजिए, किसी जल प्रवाह कर दीजिए, ज़मीन पर बिखेर दीजिए। इससे आपको बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, बहुत अधिक भक्ति प्राप्त होगी, और आप देखेंगे कि परमात्मा के आप बहुत करीब चले गए हैं। इस उपाय को इस ढंग से कीजिए कि या तो खीर बना लीजिए, या फिर चावल, दूध और चीनी अलग अलग आप गरीबों को दीजिए। आप देखेंगे कि गरीब लोगों का भला करने के एवज में परमात्मा आपका भला करेगा और आपको बहुत अधिक शक्तियाँ देगा। तो ये करते रहना चाहिए, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोरोना है, आपको दान करते रहना है, क्योंकि ये दान करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, परमात्मा आपके करीब आएंगे और आपको आशीष भी देंगे। क्योंकि जो ये समय होते हैं, इसमें परमात्मा बहुत अधिक शक्तियाँ दिया करते हैं, परमात्मा भक्ति का दान भी दिया करते हैं। और जब हम दान करते हैं, जब हम खुद संकट में हैं, क्योंकि इस समय संकट में हैं हम, जब हम खुद संकट में हैं, तो बहुत अधिक लाभ परमात्मा के घर से हमें मिलता है। तो आपको चाहिए कि अधिक से अधिक दान इस समय में अवश्य कीजिए। ये दान जरूरी है, क्योंकि ये दान ही आपको शक्ति दे सकता है, ये दान ही आपको भक्ति दे सकता है। यदि आपको गरीब नहीं मिलते हैं, आप हमारे संस्थान को भी धन भेज सकते हैं, हम यहाँ पर दान करते हैं, हम करेंगे आपकी तरफ से। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा, यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे, तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं, तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा।
यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू का मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।